दोस्तों पिछली वीडियो का ये सेकंड पार्ट है जिसमें हमने अमेज़न के जंगल के चलने फिरने वाले पेड़ के बारे में बताया था और आज की वीडियो में हम आपको आदमखोर पेड़ पौधों के बारे में बताएंगे जो कि अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है, कृपया करके इस वीडियो को सिर्फ एक शेयर जरूर कर दें। आपको ऐसा करने में सिर्फ 2 सेकंड का वक्त ही लगेगा, प्लीज दोस्तों जरूर कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अमेज़न के जंगल में रहने वाले आदिवासियों के मुताबिक ये मालूम चला है कि अमेज़न के जंगल में कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद हैं जो कि इंसानों और जानवरों का मांस भी खाते हैं। इन पेड़ों को आदमखोर पेड़ कहा जाता है। दोस्तों आपको ये बात सुनने में जरूर अजीब लग रही होगी, आखिर कोई पेड़ मांस कैसे खा सकता है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच है। लेकिन दोस्तों अमेज़न के जंगल में इनकी कुछ ही प्रजातियां पाई गई हैं। अब सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि अमेज़न के जंगल में आदमखोर जैसे पेड़ भी हो सकते हैं तो फिर तो इसके अलावा भी इस जंगल में कितनी सारी खतरनाक चीजें हो सकती हैं। खैर ये तो शोध की बातें हैं। वैसे तो इस दुनिया में पेड़ों की 60,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिनमें से पेड़ों की ज्यादातर प्रजातियां इंसानों के लिए काफी लाभदायक हैं, जिसका इस्तेमाल इंसान अपने कई कामों में करता आ रहा है। लेकिन दोस्तों हर बार हर कोई पेड़ आपके लिए उपयोगी होंगे ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस दुनिया में पेड़ों की ऐसी भी प्रजातियां होती हैं जो कि इंसान की जान को पल भर में ले सकती है। इन खतरनाक पेड़ों के साये में रहना भी आपकी जान को दावत देने के बराबर है। दोस्तों इसी तरह से हम दुनिया के कुछ खतरनाक पेड़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें देखते ही आपको दूरी बना लेनी चाहिए। लेट्स बिगिन दोस्तों। जिम्पी स्ट्रिंगर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पाए जाने वाला ये पेड़ सबसे खतरनाक पेड़ों में से एक माना जाता है। खूबसूरत बालों जैसे लगे हुए इसके ऊपर के कांटे बेहद ही जहरीले होते हैं, जो कोई भी इंसान अगर इसे छू लेता है तो ये पेड़ उसके शरीर के अंदर अपने इन कांटों के जरिए खतरनाक जहर छोड़ देता है और धीरे धीरे उस व्यक्ति का हाथ सूजने लगता है और उसके हाथों पर लाल कलर के स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं। इस प्रोसेस में इंसान को बहुत ही ज्यादा भयंकर दर्द होता है, वो तड़पने भी लगता है और कुछ घंटे के बाद भी ये दर्द इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप उसके दर्द के बारे में सोच भी नहीं सकते। आप डॉक्टर की मदद लेकर अपने कुछ हद तक दर्द को शांत तो कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसका कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है, मतलब आपका मरना तो तय है। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि कभी भी बिना जानकारी के किसी भी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। और यही नहीं, इस पेड़ के अंदर फल भी होते हैं। अगर आप कांटों से बच गए तो आप इसका फल भी खा सकते हैं। अगर ज्यादा लालची बनोगे तो आपका हाल बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। सरबेरा ओडलम के तो वैसे तो कई नाम हैं, लेकिन दोस्तों इस पेड़ को सुसाइड ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये पेड़ भारत और एशिया के कई प्रदेशों में पाया जाता है। इस पेड़ के ऊपर उतलांगा नामक फल उग जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीला होता है। अगर इस फल को किसी को भी खाने में मिलाकर दे दिया जाए तो फिर उस व्यक्ति के मुंह के अंदर सबसे पहले जलन होने लगती है और खतरनाक तरीके से उल्टियां होने लगती हैं, और जिस वजह से हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, और इन लक्षणों की वजह से कुछ समय बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। और दोस्तों इसका असर इतना खतरनाक होता है कि पोस्टमार्टम के बाद भी ये नहीं मालूम चलता है कि आखिर मौत किस वजह से हुई है। इसी वजह से बहुत ही सारे लोग इस फल का प्रयोग दूसरों से बदला लेने के लिए भी करते हैं, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप किसी को अच्छी जानकारी देकर उसकी जान बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे ही और भी जानकारी दूंगा, इसलिए दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर लें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।